कर्नाटक में 10 मई को होंगे विधानसभा चुनाव। 224 सीटों पर एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. संसद के दोनों सदनों में आज भी अडानी और राहुल के मुद्दे पर शोरगुल। हंगामे की वजह से 3 अप्रैल तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। 2 बजे तक रुका राज्यसभा का कामकाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी का फिर हमला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं राहुल गांधी। आज कांग्रेस और मिस्टर राहुल गांधी वो सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। देश की सबसे बड़ी हस्तियां साथ होंगी सबसे बड़े मंच राइजिंग इंडिया पर। आज और कल सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देखिए दिन भर। पुलिस को फिर चकमा दे गया भगोड़ा अमृतपाल। पंजाब के होशियारपुर होने की खबर के बाद पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। इनोवा कार छोड़कर फरार हुआ अमृतपाल। राजस्थान के कोटा पहुंचा प्रयागराज से साबरमती के लिए निकला अतीक का काफिला। न्यूज 18 से बोला, उम्र कैद के खिलाफ जाएंगे ऊपरी अदालत। हाईकोर्ट जाएंगे, अपील में जाएंगे। जी हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट जाएंगे फैसले से? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यूक्रेन के साथ महायुद्ध के बीच रूस ने शुरू किया महाविनाशक यार्स मिसाइल के साथ अभ्यास। परमाणु बम ले जाने में है सक्षम, अमेरिका तक तबाही मचाने वाला मिसाइल। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।